नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नॉलेजपुर में। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यूपी SSSC PET के आंसर की जारी हो गई है, आइए देखते हैं 15 अक्टूबर के प्रथम पाली की आंसर की। पहला है, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग। दूसरा है, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगीर में। मौर्य सम्राट अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी था। संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। पांचवा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो उस समय भारत में मुगल सम्राट का शासन था। भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। आठवें का आंसर है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता है या दी गई थी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इसमें सभी होगा। 19वां का वाणिज्यिक बैंक नहीं है, सिडबी विश्वे का है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। 23वां है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के। केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में आर्टिकल 124 में कहा गया है, तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। 26 का आंसर उसके तापमान। 27वें का आंसर है ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। 29वां है, कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। 31वें का आंसर 30 है, 32वें का आंसर 100 है, 33वें का आंसर 20% है, 34वें का आंसर 50 है, 35वें का आंसर 14.26 है, 36वें का आंसर महाधन ऋषि महर्षि का संधि विच्छेद है, 37वें का आंसर है अवलंब अविलंब और अधर विलोकित। सही युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, पार्वती रुद्राणी और भवानी। 39वां है, नूतन और पुरातन सही विलोम युग्म है। ख्याली पुलाव पकाना असंभव बातों की कल्पना करना। 41वें का आंसर नो है, 42वें का आंसर फार वेटिंग है, 43वें का आंसर इनकम्प्लीट है, 44वें का आंसर सेटिस्फाई है, 45वें का आंसर लेक्सिकोग्राफी है, 46वें का आंसर पत्नी है, 47वें का आंसर सौ है, 48वें का आंसर शुक्रवार है, 49 का आंसर नहीं दिया गया है, 50 का आंसर TBGRFH है, 51 का आंसर किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? इजराइल। नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? गुजरात में। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन।
2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। आईआईटी मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की। 49वां है, चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का हर घर जल प्रमाणित राज्य है? गोवा। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, UAE। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। असम में नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है। UNFCCC का अर्थ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। 71वें का आंसर है दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 72वें का आंसर है राष्ट्र का इतिहास गरिमा संस्कृति सभ्यता पूर्वजों के विचार अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। 73वें का आंसर है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। 74वें का आंसर है साहित्य और समाज। 75वें का आंसर है साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। 76वें का आंसर है संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। 77 का आंसर है क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। 78 का आंसर है सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सभी। 78वें का आंसर है सभी। 79 का आंसर है क्षण भंगुर। 80 का आंसर है श्रद्धा पूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। 81वें का आंसर है 26.66 लाख। 82 का आंसर है 0.6%। 83 का आंसर है 68.33%। 84वें का आंसर है 738.44 लाख। 85वें का आंसर है 109 संबंधी 151। 86 का आंसर है 25 संबंधी 36। 87 का आंसर है 0 घंटा। 88 का आंसर है 56 संबंधी 99। 89 का आंसर है 61 किमी प्रति घंटा। 90 का आंसर है 18 संबंधी 25। 91 का आंसर है 5000। 92 का आंसर है 2002। 93 का आंसर है 1%। 94 का आंसर है 96.15%। 95 का आंसर है 9/13। 96 का आंसर है 20%। 97 का आंसर है 2012 और 2017। 98 का आंसर है 137.5%। 99 का आंसर है 2017। 100 का आंसर है 4। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।